वेलकम बैक टू अर चैनल इंट्रोडेज going एम be शेयरिंग विद यू ऑल अ वीडियो ऑन आप सिर्फ चावल के पानी से आपका पूरा का पूरा स्किन केयर बना सकते हो लाइक डी आई वाई कर सकते हो तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उसको हिट कर देना और उसके साइड में एक छोटा सा बेल आइकन होगा जिसको नोटिफिकेशन बेल बोलते हैं तो उसको भी क्लिक कर देना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे की जो भी लाइक इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है आप उसको मिस ना करो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर आपको इससे कुछ हेल्प हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं राइस वाटर के बारे में लाइक बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी तो मुझे पता चला कि जो जापनीज़ वुमेन होते हैं वो अपनी स्किन केयर हेयर केयर में और बॉडी केयर में राइस वाटर यूज़ करते हैं इसके लिए उनकी स्किन और हेयर इतनी अच्छी होती है तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है तो मैं आपको बता देती हूँ तो राइस वाटर इज़ रिच इन अमीनो एसिड विटामिन एंड मिनरल्स राइस वाटर हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी तो ऐसे एक साथ देखेंगे तो राइस वाटर इज मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनिंग कामिंग एंड एंटी एजिंग फॉर योर स्किन और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेयर केयर के लिए भी तो अभी मैंने नहीं बनाया हेयर केयर के लिए बट अगर आपको चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन अभी हम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स कैसे डी कर सकते हैं मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ थोड़ी so, get... चावल को अच्छे से धो लेना है उसके बाद डेढ़ ग्लास पानी वन एंड हाफ ग्लास पानी में उसको सोक करना है ओवरनाइट करना है नहीं तो आप फोर आवर्स भी कर सकते हो ओवरनाइट मैंने रखा था आप इसे चार घंटे भी रख सकते हो बट चार घंटे में आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा अभी आपको इसको एक एयरटाइट कंटेनर में रखना है फ्रिज में और एक ही वीक तक आप इसे यूज़ कर सकते हो सो फेस वॉश बनाने के लिए आपको चाहिए फेस वॉश दो टेबल चाहिए इसके लिए यूज़ करें क्योंकि ये फोम लैदर करे झाग बनाए नहीं चाहिए तो आप मत यूज़ करो उसके बाद हम डाल रहे टू टेबल स्पून राइस वाटर इंपॉर्टेंट है ये तो आपके फेस वॉश में इसके बाद हम एलोवेरा जेल लेंगे दो टेबल स्पून इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से सबको और एक कंटेनर में डाल देंगे एक ही हफ्ता यूज़ कर सकते हो राइस वाटर आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें होता है विटामिन मिनरल्स और जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं पिगमेंटेशन होते हैं ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करता है तो ये फेस वॉश से आपका पोर्स क्लीन हो जाएगा आपके स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करने में हेल्प करेगा और आपका मतलब लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में भी हेल्प करता है ये फेस वॉश तो अगर आप मार्केट का फेस वॉश यूज़ करो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये डीआईवाई यूज़ करो क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है पर पैच टेस्ट कर स्क्रब बनाने के लिए आपको एक टेबल स्पून पिसावा चावल चाहिए और दो टेबल स्पून एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का मैंगो जेल लिया है आप भी दूसरा जेल ले सकते हो तो अभी हमारा स्क्रब रेडी हो गया हम स्क्रब करेंगे स्क्रब करने से जो भी आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो निकल जाते हैं और अगर आप अपने नोज़ पे भी टच करोगे तो आपको अगर टेक्सचर जैसा लगता है तो आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो आपको स्क्रब करना चाहिए हफ्ते में दो बार और आपको अपने टी जोन एरिया पे और नोज़ पे करना चाहिए अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एक मिनट करो और अगर नॉर्मल है तो दो मिनट और आपके फेस पे आप कर लेना हो टीजोन एरिया पे और अभी हम इसको वॉश करेंगे फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए ये दो टेबल स्पून दही दो चम्मच दही एक और आधा चम्मच पिसा हुआ चावल जो हमने स्क्रब के लिए किया था ना वही और थोड़ा पीस लो और उसके बाद मैं ले रही हूँ वन टी हल्दी वाइट टर्मरिक कस्तूरी हल्दी हेयर और स्किन के लिए अच्छा होता है ये वाला सीरम बनाने के लिए आपको चाहिए दो टेबलस्पून राइस वाटर एक टेबलस्पून एलोवेरा जेल और थ्री टू फोर ड्रॉप्स आलमंड ऑयल कस्तूरी हल्दी की जगह पे लाइक वाइट टर्मरिक की जगह पे आप सादी हल्दी भी यूज़ कर सकते हो जो हम घर में यूज़ करते हैं सो so, अभी हम हमारे फेस पे फेस पैक लगाएंगे तो अगर आपके फेस पे डलनेस है तो ये उस डलनेस को रिमूव करेगा और आपके स्किन को लाइट और ब्राइट बना देगा और आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा तो इस फेस पैक को आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है एक थिक लेयर और उसके बाद आपको अपने नेक को नहीं भूलना है नेक को भी कवर करना है सो अभी इसको ड्राई होने का हमें वेट करना है ड्राई होने के बाद इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और फिर निकालना है और फिर पानी से धो लेना है और अभी मेरा फेस अच्छा दिख रहा है अभी हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हैं पोर्स को क्लोज करने के लिए हम आइस यूज करते हैं जो कि नॉर्मल वाटर का होता है अभी हम राइस वाटर का बनाएंगे और इसमें मेजरमेंट बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जितना बड़ा आपका आइस क्यूब होगा उतना उसमें वाटर डाल देना राइस वाटर और एलोवेरा जेल आपको थोड़ा ही डालना है उसको मिक्स कर लेना है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक क्लोथ में आइस लेके आप अपने फेस पे लगा सकते हो नहीं तो वैसे भी लगा सकते हो ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए जो हमने राइस वाटर और एलोवेरा जेल का आइस क्यूब बनाया था अभी मैं उसको अपने फेस पर लगाऊंगी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक नैपकिन या क्लोथ में लेके आप लगाओ आइस तो नर के लिए आपको हाफ बॉटल राइज वाटर चाहिए एक्ने प्रॉब्लम है तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो वही बेस्ट होता है एक्ने और पिंपल्स के लिए बट मेरे पास लेमन एसेंशियल ऑयल था ये भी हेल्प करेगा तो इसलिए मैंने ये डाला है आप इसमें एलोवेरा जेल ले सकते हो या फिर आप दूसरा भी कोई जेल यूज़ कर सकते हो अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो मैंने इसमें वाटरमेलन का जेल डाला है गुड वाइप्स का हमने हमारे पोर्स को क्लोज़ कर लिया है आइस क्यूब से अभी हम टोनर लगाएंगे अगर टोनर के लिए आपके पास नहीं है स्प्रे बॉटल तो आप यूज़ कर सकते हो मतलब कोई भी कंटेनर में रख दो और कॉटन से अपने फेस पे लगाओ उसको और ये लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का इफेक्ट लाता है आपके फेस पे अभी सिक्स स्टेप एलोवेरा जेल की जगह पे दूसरा जेल यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हो इसमें लास्ट स्टेप हमारा सीरम है सीरम लगाने से आपके फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे पिगमेंटेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा और आपके फेस को ग्लोई बनाएगा आपको इसको लगाना है और मसाज करना है सर्कुलर मोशन में और हमने जो भी आज स्टेप यूज़ किया है स्टेप्स उनको आप अगर हफ्ते में दो बार भी यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो जैसे फेस वॉश आइस क्यूब्स मतलब पोर्स को क्लोज करने के लिए और टोनर और सीरम और ये पैसा बचा रहा है आपका लॉकडाउन में उल्टा तो अगर आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया तो आप बना सकते हो एक मुठ्ठी चावल ही लगेगा गाइस और इसका शैम्पू चावल के पानी का शैम्पू और बॉडी पॉलिशिंग क्रीम